बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाशमी दरस हदीस के मौज़े सामेईन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जहालत और बदअमनी बढ़ती चली जाएगी, हत्ता के ज़मीन में कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला भी बाकी न रहेगा और बहुत ही बुरे इंसान दुनिया में रह जाएंगे और उन्हीं पर क़यामत कायम होगी। इस दौरान में क़यामत की बाकी निशानियां भी ज़ाहिर हो जाएंगी जिनका हदीसों में ज़िक्र आया है। मसलन हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत हरगिज़ कायम न होगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियां न देख लो। धुआँ, दज्जाल, दाबतुल अर्ज़, सूरज का मग़रिब से निकलना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाजिल होना, याजूज माजूज का निकलना, ज़मीन में तीन जगह लोगों का धंस जाना, एक मशरक में, दूसरा मगरब में और तीसरा अरब में, और इन सब के आखिर में आग यमन से निकलेगी जो लोगों को उनके महशर की तरफ घेर कर पहुँचा देगी। दूसरी रिवायत में 10वीं निशानी आग के बजाय ये जिक्र फरमाई है कि एक हवा निकलेगी जो लोगों को समंदर में डाल देगी। इस हदीस में 10 चीज़ों का जिक्र आया है। आज के इस वीडियो में उन 10 बड़ी अलामात क़यामत में से धुएँ का जिक्र होगा। हाशमी दरस हदीस के मौज़े सामईन, क़यामत से पहले जिस धुएँ के ज़ाहिर होने का जिक्र है उसके बारे में शारह मिशकात अल्लामा तैबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इससे वही दुखान मुराद है जो सूरह दुखान की आयत में जिक्र है, फ़र्तकिब यौम तअति अस्समाउ बिदुखान मुबीन यग़शा अन्नास, सो इंतज़ार करो उस दिन का जबकि आसमान ज़ाहिर धुआँ लाएगा जो लोगों पर छा जाएगा। मगर इसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसमें क़्यामत के नज़दीक किसी धुएँ के ज़ाहिर होने की खबर नहीं दी गई, बल्कि इससे कुरैश मक्का का वो ज़माना क़हद मुराद है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया, और कुरैश मक्का भूख से इस कदर परेशान हुए कि आसमान व ज़मीन के दरमियान का खला उन्हें धुआँ दिखाई देता था, हालांकि हकीकत में न था। लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बारे में हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुत्तफ़िक न थे, बल्कि फरमाते थे कि इस आयत में क़्यामत के करीब एक धुएँ के ज़ाहिर होने की खबर दी गई है जिसकी तफसील ख़ुद सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि जब आपसे इसका मतलब दरियाफ्त किया गया तो इरशाद फरमाया कि ऐसा धुआँ होगा कि जो मशरक से मगरब तक खला भर देगा और 40 दिन तक रहेगा। इस धुएँ से अहले ईमान को ज़ुकाम की तरह तकलीफ़ महसूस होगी और कुफार बेहोश हो जाएंगे। मौज़े सामईन, आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं, मिलते हैं अगली इस्लामिक इंफॉर्मेशन वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।